हेलो फ्रेंड्स, कोर्ट ऑफ लॉ में वर्ल्ड ओवर किसी भी केस का जो फेट है वो फाइव एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस। जब भी कोई क्लाइंट अपने एडवोकेट को एंगेज करता है तो उसको एक स्टोरी नरेट करता है, वो सारी फैक्चुअल पोजीशन उसको बताता है। सपोज फैक्ट्स आर अगेंस्ट द क्लाइंट, देन लॉ शुड फेवर द क्लाइंट। जैसे पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई कानून, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कोई कानून, थर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कोई जजमेंट, कोई गजट नोटिफिकेशन शुड फेवर द क्लाइंट। अगर लॉ भी फेवर नहीं करता तो एडवोकेट शुड बी कॉम्पिटेंट वन, ही शुड बी हैविंग ए गुड कम्युनिकेशन स्किल, एडवोकेट का नॉलेज लेवल बहुत हाई होना चाहिए, रिसर्चिंग स्किल हाई होना चाहिए, उसका ड्राफ्टिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, हाउ टू गिव प्रॉम्प्ट आंसर्स एंड हाउ टू डील विद द केस, उसका बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। जब फैक्ट भी आपके फेवर में नहीं है, जब लॉ भी आपके फेवर में नहीं है और आपका एडवोकेट भी आपके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, तो जो फोर्थ एलिमेंट आता है वो आता है जज। जो जज आपके केस को सुन रहा है वो नॉलेजेबल होना चाहिए, थिंकर होना चाहिए, उनका जो आईक्यू और जो परसीव करने की पावर है वो बहुत ही वाइड होनी चाहिए। और अगर जज भी आपको अच्छा नहीं मिला तो फिफ्थ एलिमेंट जो है वो है आपकी डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी फिर आपकी अच्छी नहीं है। कोई भी केस वर्ल्ड ओवर इन फाइव एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। थैंक यू।